अच्छा ब्रांड बनाना, चाहे आप खुद का ब्रांड हो या आपके बिजनेस का ब्रांड हो, बनाना क्यों जरूरी है बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम धीरेंद्र अग्रवाल है और हम बिहार से हैं। ब्रांड बनाना जिस जगह पे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के नज़रिए से अगर मैं बोलूं, तो इसलिए ज़रूरी है सर कि आज हम लोगों ने 19वीं वर्ष आज हम लोग मना रहे हैं गैलवे का। अगर ये हम जिस तरीके से टाटा ने आज 4 जनरेशन, मुझे लगता है 4 या 6 जनरेशन उनका चल रहा होगा, टाटा एक ब्रांड है जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी या विश्वास जो भी उन्होंने पैदा किया, और आज वो ब्रांड आज 4 जनरेशन का वो 100 जनरेशन भी जाएगा तो कोई फर्क मुझे लगता है कि उनको नहीं, उनको अच्छा ही होगा उनके लिए जो भी है। तो इसीलिए हमें ब्रांड बनाना इसलिए ज़रूरी है कि ये हम अपना ये बिजनेस और नीचे जनरेशन को देखे जाएँ। बहुत सुंदर, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपसे बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। आप लोगों ने गैलवे को चुना जो इस बात को साबित करता है कि आप जीवन में अपनी आज की परिस्थितियों से खुश नहीं हैं और अपनी परिस्थितियों को बदल के रख देना चाहते हैं। आपने अपने सपनों के लिए लड़ने का डिसीजन लिया है। मेरी तरह जब आज से 20 साल पहले मैं गरीबी का जीवन जीता था, उस दिन मैंने तय किया था गरीबी को उखाड़ फेंकना और एक दिन अपने सपनों को पूरा करना है। आप भी उनमें से एक हैं, यस, नहीं तो आप यहां बैठे नहीं होते। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, एक जॉब वाले व्यक्ति में और एक बिजनेस वाले व्यक्ति में क्या फर्क होता है उसको समझना होगा। एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार अपनी एक दुकान खोलता है जिसमें वो पैसा भी लगाता है और बिजनेस को शुरू करता है। सुबह 8 बजे दुकान खोलता है, रात 10 बजे बंद करता है और अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उस दुकान को बिल्ड करने में लगा दे, बनाना, फिर अपना एक ब्रांड बनाना। जो वो इलेक्ट्रिशियन बना रहा था अपना ब्रांड, उषा का पंखा भी वापस ले लिया, अपना नुकसान भी किया और उस ब्रांड को बिल्डअप किया, एक बिजनेस को बिल्ड किया। क्यों कर रहा वो ये बिजनेस बिल्ड? 2 वजह, पहली है सुरक्षा, सिक्योरिटी, कि एक ऐसा बिजनेस बने जो कभी जीवन में धोखा ना दे, हमेशा बढ़ता रहे। और बढ़ने की गारंटी तब होती है जब ब्रांड बनता है। ब्रांड का मतलब ईमानदारी, विश्वास, ऑनेस्टी, प्योरिटी, सच्चाई। ये जब ऐसा होता है तो ग्राहक की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग दिल से रिकमेंड करते हैं, फलाना बंदा बहुत बढ़िया है, फलाना टेलर कमाल का है, फलाना दुकानदार बहुत बढ़िया है, उससे जाके माल ले, कभी धोखा नहीं मिलेगा, कभी नकली नहीं मिलेगा, फिक्स प्राइस, बच्चा भेजो, बूढ़ा भेजो, ये राय है। तो जब ऐसा होता है तो वो दुकान जो एक ब्रांड के रूप में खड़ी होती है वो एक जनरेशन के लिए नहीं होती है, वो पीढ़ियों के लिए होती है। वो पिता जो दुकान खड़ी कर रहा है उसके मन में होता है कि मैं ये बिजनेस जिसने आज पूरे घर को खुशहाली दी है, आज लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं, इस बिजनेस को मेरे बच्चे आगे बढ़ाएंगे, उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बिजनेस वाला अपने बिजनेस में कोई दाग नहीं लगने देता, अपने बिजनेस की छवि को सुधारने के लिए दिन रात काम करता है ताकि वो अगली पीढ़ी में उस बिजनेस को फायदा हो। लेकिन जॉब वाला व्यक्ति के पास ये ऑप्शन नहीं होती। मैं जॉब वालों की बात कर रहा हूं कि वो बच्चों को पढ़ाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है। अब पढ़ाई में कई बार बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, कई बार नहीं भी निकलते, लेकिन बिजनेसमैन के साथ ये बात होती है कि वो बिजनेस खड़ा करता है, इसलिए खड़ा करता है कि कल मेरे बच्चों और बच्चों के बच्चे भी सुरक्षित हो जाए। आज टाटा की कौन सी जनरेशन है जो टाटा कंपनी चला रही है? तीसरी या चौथी जनरेशन, अब तो रतन टाटा जी भी चले, मतलब रिटायर हो गए। धीरूभाई अंबानी की दूसरी जनरेशन लगी हुई है, अब उनका बेटा थर्ड जनरेशन भी आ गई, उनके पिता के साथ लग गई है। ऐसे बिरला के घराने में भी तीसरी जनरेशन चल रही है। तो जब आप एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो आप अपनी आगे की जनरेशन को बिजनेस देके जाते हैं। आप अपने 40 वर्ष कहां लगाना चाहते हैं? ऐसी
जगह पे नहीं लगाना चाहते कि आपके 40 वर्ष का फल आपके बच्चों को भी मिले।